वेलकम बैक। सो कंपाइलर डिजाइन कंटिन्यू करते हैं। सो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम लोग बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे, लेक्सेमीज, टोकेंस, पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है सबसे पहले लेक्सेमी। तो लेक्सेमी क्या होता है? लेक्सेमी इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन द सोर्स प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम में लिखते हैं वो सब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट मैचेस अ पैटर्न फॉर अ टोकन एंड इज आइडेंटिफाइड बाय द लेक्सिकल एनालाइजर एज एन इंस्टेंस ऑफ टोकन। ये हुआ आपका सॉर्ट ऑफ बुकिश डेफिनेशन। ठीक है, तो मैं आपको हर एक चीज एक एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ टोकन। तो उसके लिए हमें पहले टोकन समझना होगा। टोकन क्या होता है? टोकन्स आर टर्मिनल सिंबल्स ऑफ द सोर्स लैंग्वेज। टोकन्स जैसे टर्मिनल सिंबल्स, एग्जाम्पल क्या होगा, सपोज कर लीजिए आइडेंटिफायर्स, फिर आपका कीवर्ड्स, नंबर्स, ये सब आपका टोकन्स हो गया, फिर पंक्चुएशन सिंबल्स, बहुत कुछ होता है आपका टोकन्स में। ठीक है, ये आपका टोकन्स हो गया। नेक्स्ट आता है आपका पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न इज अ रूल डिस्क्राइबिंग ऑल द लेक्सेमीज दैट कैन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर टोकन इन अ सोर्स लैंग्वेज। सपोज कर लीजिए कि मतलब कोई आप कोड लिख रहे हैं उसका पैटर्न ये होना चाहिए कि वो उसका सारा जो आईडी बनेगा, सपोज के लिए समझ लीजिए आइडेंटिफायर, इसमें ले लीजिए आइडेंटिफायर का नाम ऐसे स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट विद अल्फाबेट और फॉलोड बाय अंडरस्कोर या एनी न्यूमेरिक। सपोज कर लीजिए कोई भी आप सी में आप आइडेंटिफायर लिखते हैं तो क्या होता है, आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं या कोई कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, पर नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये रूल में अलाउड नहीं है। तो जो हम लोग रूल बनाते हैं कुछ भी लिखने के लिए तो उसको हम लोग बेसिकली पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ भी एग्जांपल दे लेते हैं, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस टेम्प। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये टोकन्स हम लोग देखते हैं पहले क्या हो रहा है। टोकन्स हम लोग देखें आइडेंटिफायर ये सब चीज़ होता है, तो टोकन्स आपका ये आइडेंटिफायर हुआ, इस नाम से हम लोग डिनोट किए काउंट और टेम्प। यहाँ पे आइडेंटिफायर्स टोकन बना आपका। ठीक है, फिर ऑपरेटर्स क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर है, सब तो ये आपका ऑपरेटर हुआ ऑपरेटर, तो ये सब आया ऑपरेटर्स में आ गया। फिर पंक्चुएशन, पंक्चुएशन क्या होता है, जो इससे हम एंड करते हैं ना, तो ये आपका पंक्चुएशन हो गया। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल ये आपका एक टोकन्स हो गया, इसमें लेक्सेमीज भी हो गया, क्योंकि आप देखते हैं लेक्सेमीज का डेफिनेशन क्या है। लेक्सेमीज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन द सोर्स प्रोग्राम दैट मैचेस अ पर्टिकुलर टोकन। तो हम लोग देखे थे कि ऐसे स्टार्ट होना चाहिए आइडेंटिफायर अंडरस्कोर से, नहीं अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते, कैरेक्टर स्टार्ट नंबर से नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कि लेक्सेमीज पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और हर टोकन इसको ओबे कर रहे हैं। तो ये इन ऑर्डर इन टोटल लेक्सेमी हुआ और इसको लेक्सिकल एनालाइजर पूरा अच्छे से आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा चीज आता है आपका सिम्बल टेबल। सिम्बल टेबल क्या करता है, बेसिकली सपोज कर लीजिए आपका एनालाइजर एक एक करके हम लोग टोकन निकालते हैं, जैसे ये काउंट एक बार निकाले, एक बार इक्वल्स टू निकाले, फिर काउंट निकालेंगे, तो ये आपका एक टेबल सॉर्ट ऑफ रहता है। इसमें सपोज कर लीजिए काउंट लिख दिए तो ये स्टोर हो गया। अब ये अब हम लोग हर बार काउंट आएगा थोड़ी ना हम लोग हर बार स्टोर करेंगे, तो ये टेबल से हम उठा लेंगे इसका एट्रीब्यूट्स का, समझ लीजिए काउंट इंट है, ऐसे करके इसका एट्रीब्यूट्स डेटा टाइप सब स्टोर होता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। यहाँ पे आपका लेक्सेमीज या टोकन स्टोर होता है आपका सिंबल टेबल में। सिंबल टेबल में बाद में अच्छे से और डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए ये बेसिक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।